भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के वेव चल रही है, जिस तरह की आंधी चल रही है, इसमें कांग्रेस और बाकी सभी दल ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेसी अहंकार में थे, घमंड में थे, जनता के बीच में गए नहीं और बिना जनता के बीच में आए। टीवी से, अखबार से ये कहते अपने आप घूमते रहो कि भाई कांग्रेस की आंधी आ रही है, कांग्रेस की आंधी आ रही है। लोगों ने उसकी आंधी वाली जो ट्यूब थी उसमें पंचर कर दिया। अब उनका पंचर और ट्यूब बाकी रह रही है, आंधी उंधी कुछ नहीं है, सारी बीजेपी का नक्श का आ गई। अब बीजेपी की सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत से। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा काफी था और लगता है कि अब और अवैध कॉलोनियां रह गई हैं, क्या करना है महिपाल डाने लोग? कुछ कॉलोनियां हमारी, पांच चार कॉलोनियां हैं, 10 कॉलोनियां होंगी जो बच गई थी। हम उन कॉलोनियों को भी विवाद करवा रहे हैं, उसका हमारा सर्वे हो गया है, वो करके वहाँ भी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी उनको उपलब्ध कराएंगे। खाली यही नहीं है, हमने गांव में जितने भी स्कूल्स थे स्कूल्स का निर्माण करवाना, 27 स्कूल हमारे ऐसे हैं जो हमने CM अनाउंसमेंट में डाले हैं, जिनको हम बहुत हाईटेक स्कूल बनाने वाले हैं। उसमें कुछ काम हमारा सिविल का हो गया है, कुछ जो भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो बाकी बचता है। हम धीरे धीरे करके इन सब कामों को पूरा करके एक ऐसे स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसमें पढ़ने के बाद कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा एजुकेशन हब अपने पानीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बनाने वाले हैं। हमने ये पानीपत में खोतपुरा गांव में एक रिसर्च सेंटर लेके आए हैं, जिसमें आदमी की एडी से लेके चोटी तक जितने भी टेस्ट हो सकते हैं सारे टेस्ट होंगे। ऑल इंडिया हॉस्पिटल, एम्स जिसको बोलते हैं, एम्स हॉस्पिटल का ये एक रिसर्च सेंटर है। 1000 लोगों का हर रोज इसमें टेस्ट होगा और जिसमें 1.5 पैसे भी किसी आदमी ने नहीं देने, और इसकी जो रिपोर्ट होगी ये रिपोर्ट पूरे देश में हर हॉस्पिटल में मान्य होगी, क्योंकि ऑल इंडिया का रिसर्च सेंटर है। तो लोगों को सुविधाएं देना ही हमारी प्राथमिकता है, यही तो काम हमारे जिम्मे लगा है और यही काम हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे। देखो हमारे यहाँ किसान है, पर कांग्रेस वाले तो 2 फसल खरीदा करते, बाकी खरीदे नहीं थे। अब ये कहते हैं ना कि भाई किसान कांग्रेस के साथ है, बीजेपी तो नाराज है, यही कह रहे ना, हम तो नहीं कह रहे। हमने तो पहले भी 14 फसलें किसानों की MSP पर खरीदी, अब हम 24 फसलें किसानों की MSP पर खरीदेंगे। हरियाणा में 24 फसलें उगाई जाती हैं, 24 की 24 MSP पर खरीदेंगे। कांग्रेस के लोगों ने कभी भी किसान का पैसा सीधा उनके खाते में नहीं डाला, हमने अपनी सरकार दांव पे लगाई और सरकार दांव पे लगा के हमने ये तय किया कि हम किसान के साथ खड़े, इसलिए किसान का पैसा उसकी जेब में जाए, सीधा उसके खाते में जाए, 72 घंटे में उसके खाते में पैसे डाल देते हैं। इसलिए भाइयों हमने तो हर मूलभूत सुविधा से लेके किसानों से लेके महिलाओं तक सबका ध्यान रखते हुए हमने काम किया और उसका नतीजा ये है, आज 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में महिपाल डालने के लिए घोषणाएं क्या होगी ग्रामीण के लिए? मैं घोषणाएं नहीं करता, मैं काम करता। घोषणा तो कांग्रेस वाले करा कर, हम तो संकल्प लेते हैं। घोषणा पत्र उनका है, हमारा तो संकल्प पत्र है